Time for Jodhpur. We have started from our resort, holiday Bikaner resort. Full kar dijiye. Thoda dheere daliyega. So petrol full kar diya hai. Now we'll stop for breakfast within half an hour, 45 minutes, and from there Jodhpur directly. जोधपुर यहाँ से बस 270 किलोमीटर है, तो आज का राइड उतना हेक्टिक नहीं होगा, आराम से पहुँच जाएंगे. देन वील हैव एनफ टाइम टू स्पेंड इन जोधपुर. देन वी हैव टुमारो ऑल्सो कम्प्लीट डे टू स्पेंड इन जोधपुर आउट ऑफ बीकानेर सिटी. बट यहाँ से पूरा सिटी व्यू है, सड़क भी अच्छा दिख रहा है, मस्त. सो आराम से जोधपुर तक जाएंगे. स्टेशन रोड गए थे कल रात को स्वीट्स खाने. सारे बीकानेर के फेमस स्वीट शॉप्स स्टेशन रोड पे ही हैं. इट वाज अ नाइस स्टे इन बीकानेर, अच्छा लगा. वी वर हियर जस्ट फॉर वन नाइट, वन इवनिंग. सो उसमें जितना भी टाइम मिला, जितना भी पॉसिबल था, वी वर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द लोकल फूड, क्योंकि बीकानेर का स्वीट्स बहुत फेमस है. तो हम बीकानेर के सारे फेमस स्वीट शॉप में गए, लाल जी, माखन भोग, देन छोटू मोटू, ऑल दिस, और एक्सप्लोर किया, अच्छा लगा. लाल जी का ढोकला, गुजराती ढोकला, राजस्थानी ढोकला मस्त था. पनीर पकौड़ा भी मस्त था. एवरीथिंग कचौरी वॉज ऑल्सो गुड, सो वी लाइक इट. और हमने वो स्वीट्स ट्राई किया जो बेंगलोर में नहीं मिलते हैं, जो बीकानेर के फेमस हैं. तो वो सारे स्वीट्स भी अच्छे थे, मज़ा आया खा के. तो इट वॉज़ ए नाइस इवनिंग इन बीकानेर वी हैड. So stopped for some tea here. ATM खोज रहे हम लोग बट मिल नहीं रहे. चाय के साथ और क्या मिलेगा? चाय के साथ और क्या मिलेगा? बिस्किट है. देखिए ये है ऊंट गाड़ी, जैसा होता है बैलगाड़ी वैसा ही होता है ऊंट गाड़ी. तो मेन रोड से डेविएशन लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो करनी माता का मंदिर है, श्री करनी माता, वर्ल्ड फेमस करनी माता टेम्पल. देखते हैं, अगर बहुत भीड़ हुआ तो बाहर से नमस्कार करके चले आएंगे. सो ये है करनी माता का मंदिर, देखा होगा अपने टीवी में और सुना भी होगा, जिस मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, चूहे ही चूहे. हमारे पास उतना टाइम नहीं है बट फिर भी ऑन द वे था, तो हमने सोचा कि चलो माता के दर्शन करके जाएंगे. करनी माता के दर्शन कर लिया, ऑन द वे था तो सोचा माता के दर्शन करके निकलेंगे. अब सीधा बढ़ेंगे टुवर्ड्स जोधपुर. यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, बीकानेर कोलकाता एक्सप्रेस. लखन भोजनालय हाईवे साइड ढाबा का खाना का बात ही अलग है. हाईवे साइड में मस्त वाला दही खा रहे हैं हम लोग. ऑलमोस्ट हर जगह पे कुछ अच्छा मिले ना मिले, बट दही हर जगह राजस्थान में मस्त वाला दही मिल रहा है, एकदम होममेड
मस्त वाला दही जमा हुआ, आलू पालक, दाल फ्राई, रोटी और देसी सलाद। तो खाना खा लिया मस्त वाला, इधर रोटी, आलू पालक की सब्जी, दाल फ्राई और मस्त वाला होममेड दही। इधर हम लोग आराम कर दिए मस्त एक 15-20 मिनट। ओके, लेट्स पुश टू जोधपुर, अनदर 110 किलोमीटर्स टू गो। जोधपुर सिटी के पास आते ही बारिश स्टार्ट हो गया। International.